दोस्तों बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने दिया है चौंकाने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, बयान सामने आने के बाद उनके फैंस भी सब हैरान रह गए हैं। क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो और आप भी अगर कार्तिक आर्यन के फैन हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बिना समय लेते हुए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि साल 2022 में बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है कार्तिक आर्यन की बुलबुलैया 2। बुलबुलैया 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और कार्तिक आर्यन ने इस सफलता पर खुशी भी जताई थी। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा है कि मेरे बहुत ही सपने हैं, मैं एक लैम्बोर्गिनी चाहता था और मुझे मिल भी गई, मैं एक अभिनेता बनना चाहता था और वो सपना भी पूरा हो गया, अब सपने बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने अपने करियर की हिट और फ्लॉप फिल्मों पर भी बात किया। अभिनेता ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है और एक फ्लॉप फिल्म से ऐसी धारणा बनाई जा सकती है कि उनका करियर खत्म हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक है। उनके पास पाइपलाइन में 4 फिल्में हैं जिसमें कायरा अडवाणी के साथ सत्यप्रेम की कथा और कृति सेनन के साथ शहजादा के अलावा कप्तान इंडिया और फ्रेंडली भी शामिल है। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान कार्तिक आर्यन से फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइड होने पर उनकी राय के बारे में पूछा गया तो कार्तिक आर्यन ने कहा कि मैं पैडेड नहीं हूँ, मेरी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कि एक इनसाइडर कैसा महसूस करता है, लेकिन एक आउटसाइड के रूप में मुझे लगता है कि एक फ्लॉप फिल्म होने पर ऐसी धारणा पैदा की जा सकती है कि मेरा पूरा करियर खत्म हो सकता है। दोस्तों आप किसके बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।